आज हम बहुत ही सिंपल और इंस्टेंट केक बनाते हैं। बहुत सिंपल बैटर बनाएंगे अलग अलग तरीके से। दो बैटर बनाएंगे और उसी में से चार केक बनाएंगे। जिनके घर में ना ओवन है ना माइक्रोवेव है, उनके लिए एकदम ये बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। हमने दो बोल्स लिए हैं, एक में हमने मैरी बिस्किट को क्रश किया है और एक में हमने चॉकलेट क्रीम ओरियो बिस्किट को क्रश किया है। हमने एक कप दूध लिया है। सबसे पहले हमने मैरी बिस्किट लिए क्रश्ड, इसमें हमने ये 3/4 कप दूध लिया है। दूध को हम धीरे धीरे डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा सा डाला, फिर हम घुमाएंगे, थोड़ा और दूध डाला हमने। तो याद रखें, हमें दूध की कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमें डालना है। इसमें हमने 1/4 कप और दूध लिया है। अब हम इसमें थोड़ा दूध और डाल रहे हैं। मिलाएं इनको अच्छे से। आखिर में हमें थोड़ा सा दूध और डाला, क्योंकि अभी भी ये थोड़ा सा थिक बैटर बन रहा है। तो इसको अच्छे से मिक्स करें। अगर दूध की ज़रूरत लगती है तो थोड़ा दूध आप इसमें और डाल सकते हैं, ताकि एकदम थिक बैटर बन जाए, जैसे एक इडली का बैटर बनता है। अब इसमें डाला हमने चीनी। डेढ़ चम्मच हमने चीनी डाली है। मिला लें इनको अच्छे से बैटर में। एक चम्मच तेल डाला है। अब इन सारे को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा मैरी बिस्किट का बैटर बनके तैयार हो गया। अब हम ये ओरियो बिस्किट लिए हैं क्रश्ड, इसमें हमने दूध डाला। इसमें हम ना कोई तेल डालेंगे ना चीनी डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले से ही चीनी और ऑयल है, क्योंकि ये क्रश्ड चॉकलेट क्रीम बिस्किट्स हैं इसलिए। तो इसमें बस हम सिर्फ दूध डालेंगे 1/4 कप। तो ये देखिए, ऐसा बैटर बनके तैयार होना चाहिए। ये देखिए, ये मैरी बिस्किट का बैटर है। अब इसमें हम डालेंगे इनो, आधा छोटा चम्मच। मिक्स कर लें इनको अच्छे से। अब हम ये क्रश्ड ओरियो बिस्किट्स में भी डालेंगे इनो, आधा छोटा चम्मच। मिक्स किया इनको अच्छे से। अब हम इन्हीं दो बैटर के चार केक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने पहला कप लिया, उसमें हमने ये मैरी बिस्किट का बैटर लिया है। इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डालेंगे और ऊपर से ये क्रश्ड वॉलनट्स डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमने ये दूसरा कप लिया, उसमें हमने ये 1/4 मैरी बिस्किट का बैटर डाला।
अब इसमें हमने ये चॉप्ड ओरियो बिस्किट डाले हैं, तो ये हम बनाएंगे कुकी क्रीम केक। जो पहला केक बनाया था वो हमने कॉफ़ी वॉलनट केक बनाया था। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम ये तीसरा केक बना रहे हैं, मार्बल केक। तो इसमें हमने सबसे पहले ये मैरी बिस्किट का बैटर डाला, इसके ऊपर हम ये डालेंगे ओरियो बिस्किट का बैटर, अब इसको हम एक मार्बल इफेक्ट देंगे, तो बस थोड़ा सा हम इसको स्वर्ल करेंगे, हल्का सा इसको स्वर्ल करना है ताकि इसका ये मार्बल इफेक्ट आए एज हम इसको ये मार्बल केक बना रहे हैं। अब हम ये आखिरी कप केक बनाएंगे, ये इसका नाम है चॉकलेट केक। तो इसमें हमने ये चॉकलेट ओरियो क्रीम बिस्किट का बैटर लिया है, इसको हम आधा फिल करेंगे। इसमें हमने ये वाइट चॉको चिप्स डाले हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको हम ऊपर से गार्निश करेंगे वाइट चॉको चिप्स के साथ। आप अगर आपके पास वाइट चॉको चिप्स नहीं है तो आप इसमें ब्राउन चॉकलेट वाले भी चॉको चिप्स डाल सकते हैं। हमने स्टीमर को ऑलरेडी 15 मिनट लो फ्लेम पे करके रखा था स्टीम। अब हम स्टीमर में ये केक्स डालेंगे, यानी कि मतलब ये कप्स डालेंगे। स्टीमर ऑलरेडी पहले से गर्म हुआ है 15 मिनट पहले। अब इसके ढक्कन में हम एक टॉवल से रैप करेंगे ताकि जो उसका पानी है वो टॉवल सोख ले और केक में स्टीम ना जाए, इसलिए हमने ये टॉवल लगाया है। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं और हमारे चारों केक्स रेडी हो गए हैं। ये देखिए केक एकदम परफेक्ट बने हैं, इनका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया बना है, एकदम प्लफी केक्स बने हैं ये। और सबसे अच्छी बात है एकदम इंस्टेंट केक है जो 15 मिनट में बनने वाले हैं। आप इसको अपने बच्चों को ज़रूर सर्व कीजिए, उनको ये पक्का ये केक्स बहुत पसंद आएंगे।